एक समय क्या होता है, मृत्यु लोक रे मायने राजा विक्रमादित्य जी रो राज। राजा विक्रमादित्य जी बड़े धर्मात्मा राजा, उसी उज्जैन के मायने एक धर्म राजा री सभा, पंडित लोग निवास करे तो राजा विक्रमादित्य जी सभा रे मायने जावे है। सभी ब्राह्मण लोग विचार करे, आज तो राज दरबार से राजा साहब पधारिया है। सभी ब्राह्मण लोग अपना शास्त्र बंद कर दिया। राजा विक्रमादित्य जी उन्होंने कहवे है, पंडिता आप मारा ने देखी ने शास्त्र बंद क्यों करिया है। अरे पंडित बोले, राजा जी आप नुग्रा आदमी हो, आप बिना गुरु का हो, आप मानी सभा में नहीं बैठी सको हो। अरे राजा विक्रमादित्य जी मेला पधारी गया है, गुरु बनावा के वास्ते जंगल में जावे है। राजा विक्रम जी चालन लागा, जावे जंगल के मायन रे भाई, आधा जंगल में चालन लागा, बड़ा बड़ा महात्मा मिलवा लागा, जुगा जुगारी तपस्या रे भाई, हाथ जोड़ी ने राजा पावा लागा, गुरु उपदेश मारे लेना, बलि करी गे भगवान निरे भाई, एकादशी मात की। राजा वीर विक्रमादित्य जी जंगल के मायने जावे है, बड़ा बड़ा महात्मा मिला है, महात्मा के चरणा में धोक दियो है। राजा विक्रमादित्य जी यूं बोले है, मारे कोई गुरु नहीं, आपने मैं गुरु करवारे वास्ते आयो हूं। गुरु महाराज विधि विधान के सहित राजा वीर विक्रमादित्य जी ने गुरु उपदेश दियो है। राजा वाला गुरु महाराज ने कहवे है कि देखो गुरु जी, मने भगवान मिलना चाहे है। अरे गुरु जी बोले कि राजा, भगवान तने जदी मिलेगा, उज्जैन नगरी री गाया 12 साल तक चराव जे, 12 साल की भक्ति पूरी वही जागा, थने भगवान मिली जागा। राजा वीर विक्रमादित्य जी मेला जावे है, प्रातः काल होते प्रभाते सारी उज्जैन की गवां इकट्ठी वही चुकी है। हरे नमा। और जंगल में जावे है, गवां चरावता चरावता 12 साल की भक्ति पूरी होवे, वैकुंठ लोक में भगवान को आसन दूजो है। अरे भगवान नारद मुनि ने कई कहवे है, 12 साल अब बीतन लागा, प्रभु का सियासन थरावा लागा, नारद आज दुनिया में कोई भगत हुआ है, बलि करी गे भगवान निरे भाई, भगवान बोले नारद मुनि, मृत्यु लोक रे मायने कोई भक्त बन्यो है, चालो आपी राजा विक्रम ने दर्शन दांगा, अगर सत हारी जागा तो दर्शन कभी नहीं मिलेगा, राजा सत नहीं हारेगा तो दर्शन देना जरूरी है। नारद मुनि बोले, भगवान आप तो घट घट के व्यापक हो, उसी समय भगवान नारद मुनि ने ले लिया है और मृत्यु लोक में रवाना व्या है। राजा विक्रमादित्य जी गंवारे मायने भगवान चलिया गया है, नारद मुनि ने छिपा है, भगवान एक नार को रूप धारण करियो है और राजा विक्रम ने जैन दर्शन दिया है। अच्छा देवे।
नार देखिन राजा डरवा लागा। नार देखिन राजा डरवा लागा। बारह बारह साल मैंने भक्ति कमाई, भाई गजब की बात निरे भाई। एकादशी मात की राजा विक्रमादित्य जी बोले है, भगवान के दर्शन के लिए मैंने 12 साल तक गौवा चराई है, आज जंगल में नार चलियो आयो है, एक भी गाय ने खत्म कर देगा तो मने भगवान नहीं मिलेगा और मारे गौ हत्या को अपराध चढ़ेगा। वणी टेम के मायने भगवान विचार कर लियो, रे राजा विक्रम तू सत हारी गयो। उसी समय राजा विक्रमादित्य जी उज्जैन से एक बार बुलावे शेर ने खत्म करवारे वास्ते। भगवान तो अंतर ध्यान भी गया, नारद मुनि ने ले लिया और वैकुंठ लोक में चलिया गया है। अब उज्जैन की वार वापस उज्जैन में पधारे तो रास्ता में राजा लक्ष्मीचंद जीवना ने मिली गया है। वार के शामिल राजा साहब उज्जैन पधारी गया है और दरवाजा पे गया तो स्वना का सुसरा जी मिलिया है। अरे पहली मिलिया जी देखो सुसरा जमाई, सुसरा जमाई। पछे मिलिया गे साला बेनोई, पछे मिलियो गे परिवार निरे भाई। मिलता मिलता नगर फूलियो, आज जमाई आया पामना रे भाई। राजा साहब सुसराल पहुंची गया है और सुसरा जी मिलिया है, साला बंदे भी मिलिया है, सारो ही परिवार राजा के जमाई से मिलियो है। अब राजा ने हुक्म दियो है कि जावो दासा जूना मेल प्रा झटकावो, आछी रंगमा जाजमा बिछाई दो और जमैसा का डेरा जूना मेला के मायने देवाओ। अरे जमई जी का डेरा देवाया है। राजा की रानी को कई नाम थो कि सती चंद्रावली। चंद्रावली का पिताजी चंद्रावली ने बुले नहीं केवे है, बेटी चंद्रावली आज तारा पति आया है, थने 33 साग और 32 भोजन बनावना है। अरे ना और जूना मेला के मायने जानो है। हाँ। 33 साग 32 भोजन, 33 साग 32 भोजन जूना मेला के मायने रे भाई। रानी चंद्रावली भोजन बनायो है और झट से जूना मेला में पहुंची गई है, पति के चरणा में धोक दियो है। अरे नमा चंद्रावली केवे कि प्राणनाथ आप भोजन जिमो। राजा मन में विचार यूं करे है, रानी भोजन जरूर जिमांगा लेकिन पहले मने प्यास ज्यादा लागी है, जल पिलावो पचे भोजन करा। रानी यूं केवे है कि देखो पतिदेव, मारे एकादशी माता को व्रत है, मैं मारा हाथ से आपने जल नहीं पिलाऊंगी। राजा कहवे है कि रानी तू मुझे जल नहीं पिलावेगी तो दूसरों कौन पिलावेगा। अरे मां
चंद्रावली रानी बोले कि मैं आपने जल तो नहीं पिलाऊंगा, मारी भक्ति में चूक पड़ेगा। राजा कहवे कि मारो भवरो चलियो जाए तो मंजूर, लेकिन जल दूसरा का हाथ को मैं नहीं पीऊंगा। रानी कहवे कि पतिदेव आपको भवरो चाहे चलियो जाए, लेकिन मैं जल तो आपने को नहीं पिलाऊंगा। जल नहीं पिलायो है, राजा को भंवरो लाश छोड़ 12 बजे रवाना वे चुकियो है। अरे नमा उज्जैन में घूमे है लेकिन जल नहीं मिले है। राजा को प्यासो भंवरो एक ब्राह्मण के घर चलियो गयो। ब्राह्मणी जल को यानी मटका को ढक्कन खोलियो है तो भंवरो जल पियो है, लेकिन वणी जल का मटका पे ढक्कन लगाई दियो वापस वणी भंवरा ने राज तो नहीं मिलियो है। अरे नमा दिन उदय वे गयो। राजा ने हुक्म दियो कि आपने जमई पधारिया है, मेला में खबर करो। रानी की नींद खुली है, पतिदेव जिंदा कोनी मिलिया है। वे टेम के मायने रानी चंद्रावली जोर जोर से रोवा लागी है। रोवती रोवती रानी चंद्रावली, रोवती रोवती रानी चंद्रावली, आई है मानक चौक मेरे भाई। बोले पिताजी सुन लो चंद्रावली, बलि करी गे भगवान निरे भाई। रानी चंद्रावली रोवती रोवती मानक चौक में आई और मंडा पिताजी मिली गया है। पिताजी बोले बेटी आज रोने का क्या कारण है? जमाई पधारिया है और प्रातः काल होते क्यों रोवो हो? चंद्रावली बोले पिताजी आपके जमाई पधारिया मेला में जिंदा को नहीं मिले है। अरे नमा राजा मन में विचार करे हे बेटी थारे सवा कोई मेला में गयो को नहीं और मारा जमाई ने तेज खत्म करिया है। चंद्रावली रानी बोले पिताजी मु आपरा जमाई ने खत्म क्यों करूं, मारे एकादशी माता री भक्ति है। वे भगत के माय ने चंद्रावली रानी की पिताजी परीक्षा लेवे है। लुहार ने बुलाया आचा लोह का गोला अग्नि में खूब गर्म करे है और रानी चंद्रावली की परीक्षा करे है। अरे नमा ऐ जी धमना मंगाई झट गोला तपाया, धमना मंगाई झट गोला तपाया, पछे धी जकराई निरे भाई। जोई गोला अब लेवे चंद्रावली, ए जोई गोला अब लेवे चंद्रावली, पानी होई ने चलियो जाय निरे भाई। तोर भगवान की ओ। रानी चंद्रावली की परीक्षा करी है वंडा पिताजी, अग्नि में लो का गोला गर्म करिया है और बेटी ने सभारे माय ने खड़ी करी है। हे चंद्रावली थे मारा जमई ने खत्म करियो वेगा, तू जली बली ने खत्म वही जागा। अरे नमा चंद्रावली रानी एकादशी माता ने याद करे है, हे एकादशी माता अगर मैं थारो व्रत धारण नहीं करती मारा पति रो भंवरो वैकुंठ धाम नहीं जातो। रक्षा करो। वणी भगत में एकादशी माता चंद्रावली का सपना में जैसे समाई है, अग्नि का गोला विरा हाथ पे दिया है, एक तल भर दाग नहीं लागो और जल की बूंदा वेन नीचे गिरी गई है। नीचे गिरे वणी का पिताजी बोलिया है बेटी चंद्रावली आपको कोई दोष नहीं है, आप मेला पधारो। मंत्रिया ने हुक्म दीदो है कि जाओ चंदन रूख कटाओ और जमई की लाश को शमशान घाट पे ले जाओ, दाह संस्कार कर दो। अरे नवा शमशान घाट पे ले गया है। अग्नि माता ने जो ही वेदी में चेतन करी है और वणी ब्राह्मणी वणी मटका को ढक्कन खोलियो है, वो राजा को भंवरो मेला गयो लाश कोनी मिली है। राजा को भंवरो शमशान घाट पे गयो, वणी अग्नि ने ज्यादा देख
भंवरो याने पछतायो है, मारी लाश जली गई है। अंत में मृत्युलोक रो स्नान करियो है और राजा रो भंवरो वैकुंठ धाम में पहुंची गयो है। रानी चंद्रावली विधवा बनी गई, पति के वियोग में वणी हवामन होनो ब्राह्मणा ने दक्षिणा में देवारे वास्ते संकल्प कर लियो है। अरे नमा। प्रातः काल रानी चंद्रावली सोना को दान देवे है। आसपास रा गांवड़ा का सभी ब्राह्मण लोग भिक्षा लेवारे वास्ते जावे है। अरे नमा। वे वक्त में एक ब्राह्मण निवास करतो, वंडी ब्राह्मणी वणी ब्राह्मण ने कई केवे है, देखो महाराज आप उज्जैन क्यों नहीं जावो हो, रानी चंद्रावली होना को दान देवे। ब्राह्मण विचार करे, उज्जैन छेटी पड़े है, ब्राह्मणी मारो नी चाल नहीं आवे, तो ब्राह्मणी गुस्सारी तेज पड़ती झगड़ो कर लियो है और महाराज ने उज्जैन भेजा है। ब्राह्मणी बोले कि महाराज आप उज्जैन पधारो, जटे आपने दिन अस्त वही जावे वटे आप रात रुक जो। अबे महाराज उज्जैन जावे है। वटु ब्राह्मण चालन लागा, जावे जंगल रे मायन रे भाई, आधा जंगल में चालन लागा, दिन अस्त होई जाय निरे भाई, सुकी रे बावड़ी ने सुकी रे पीपली, वटली योगे विश्राम निरे भाई, महाराज रवन्ना वही चुक्या है, जंगल के मायने जावे है, आधा जंगल में महाराज गिया नवना ने दिन आती गयो है। महाराज ने एक हुकी बावड़ी नजर आई, एक सुकी पीपली नजर आई, वटे जई ने बैठी गया है। अरे नमा। रात की 12 बजे महाराज ने डर लागो है, आज में ब्राह्मणी रा चक्कर में क्यों आयो, अणि जंगल में नार चित्रा आवेगा तो मारो कलेवो करेगा। प्रातः काल मारे घरे चलियो जाऊंगा, होना को दान मारे कोनी चावे, और ब्राह्मणी से मैं जा एक दो दे पाड़ूंगा भाई, भाई। और आइंदा मैं कदी उज्जैन को नहीं जाऊंगा। रात्रि की 12 बजे महाराज पीपली पे चढ़ी गया है और विराजमान विया है। वैकुंठ लोक मु भगवान वटे 33 करोड़ देवतारी सभा ने लावे है, और जो राजा देवलोक गयो वणी रानी का पति ने भी वटे लावे है। पवन आयो जब झाड़ू लगायो, इंद्र ने छिड़काव लगायो, ओ बावड़ी वावे वालागी, पीपल हरिया हो यनी रे भाई, रात की 12 बजे भगवान 33 करोड़ देवतारी सभा ने लावे है, हुक्म दियो है, पवन देव ने झाड़ू दियो है, राजा इंद्र ने जल बरसायो है, सूखी बावड़ी वो जल से भरी है और सूखी पीपली हरियावेगी चुकी है। महाराज ने भैरू बाव जी आया है, अटे कोई भूत बाव जी निवास करे है, जंगल में प्रकट वही जागा तो मारो भवरो परम धाम चलियो जागा। वाह भैरू बाव जी वाह। वणी भगत के मायने भगवान वणी 33 करोड़ देवतारी सभा ने और राजा साहब ने लाया है, दर्शन दिया है और वटा से 5 मिनट राखी सभा ने अंतर ध्यान करी वैकुंठ लोक में ले गया है। महाराज बड़ा प्रसन्न व्या, भगवान मैंने आज की रात तो वंचायो है, सुबह पहली ब्राह्मणी रे 2-4 दे पाड़ूंगा, लेकिन कदी उज्जैन नहीं आऊंगा। प्रातः काल नीचे उतरिया है, बोले घरे जाऊंगा तो ब्राह्मणी गुस्सारी तेज पड़े है, मारे से झगड़ो करेगा। हाँ कुटिना की। मैं उज्जैन जाऊं और एक समय होना को दान तो लावा। हाँ महाराज उज्जैन पधारिया है, जत्रे हवामन होना को दान तो पूरो वे चुकियो है, रानी एक दासी ने भेजी है, जाओ दासी ब्राह्मण ने यह बात कीजो कि वे काले पधारे, आज को दान और काल को दान शामिल दे दांगा। रानी बोले जाओ दासी, तो दासी जी ने महाराज ने यूं कियो, महाराज आज तो दान पूरो वही चुकियो है, आप काले आई जाजो। आजो।
महाराज बोले कि नहीं सोना को दान देवे है वणी से मारे बाता करनी है। रानी आवे है तो महाराज बोले कि रानी जी मैं आप रा धनी ने देखा है, रात की 12 बजे देखा, हमारे साथ में चलो। रानी बोले महाराज मारा धनी तो वैकुंठ लोक में पहुंचा है। महाराज बोले कि नहीं आप रा धनी का दर्शन कराऊंगा, आपका पति का दर्शन जरूर कराऊंगा। अब आगे तो महाराज चाले पाचे रानी चाले है, होना को दान तो साथ में ले ली दो है। रानी बोले कि देखो महाराज मारा पति रा दर्शन मने वही जागा तो आपके होना को दान चावेगा वत्रों में दे दूंगा। हाँ सावत्रो दीदा। और मारा धनी का दर्शन नहीं मिला है तो मु आपने उज्जैन में लेने तेली रे गरे गाड़ी में डाला आपको तेल निकले दूंगा। महाराज डर का मारिया हाँ तो भर ली दिए कि चलो आपका धनी आपने जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। वापस वही रस्तो लियो है, जंगल आयो है, वही बावड़ी आई है और सुखी पीपली आई बटे विराजमान वही गया है। अरे अब महाराज तो जो प्रथम दिन तरकीब लगाई वही ऊंचा चढ़ी ने बैठी गया है और रानी नीचे बैठी है। रात्रि 12 बजे भगवान वणी सभा ने बटे लावे है। पवन आयो जट झाड़ू लगायो, इंद्र ने छिड़काव लगायो, बावड़ी वावे वालागी, पीपल हरिया हो ये नीरे भाई। भक्तोर भगवान की जय हो। महाराज तो ऊपरे बंदी गया प्रार्थना करे है कि हे भूत बाव जी जो आप काले पधारिया आज ही आई जाजो, वरना या रानी चंद्रावली उज्जैन में ले जार मने खत्म करावेगा। अरे नमा। भगवान रात की 12 बजे सभी देवता ने लीने वटे बैठी गया है और रानी को पति भी वने विराजमान वे चुक्यो है। 5 मिनट भगवान वणी सभा ने राखी, अंत में राजा ने अकेला छोड़ी दिया जंगल में और वैकुंठ धाम में सारी सभा ने ले गया है। रानी चंद्रावली अपना धनी का दर्शन करिया है, पास में पहुंची गई है और हाथ जोड़ी ने पति रे सामने यूं बातें करे है। मेला रो पानी अब पीवो रे पति जी, ओ मेला रो पानी अब पीवो रे पति जी, अबे ना पिया ये रानी अबे ना पिया जी, राम मिलाया भगवान मिलाया, भली करी गे भगवान निरे भाई। रानी चंद्रावली प्रार्थना करे हे पति देव मैं आपने मेला में जल नहीं पिलायो हो। अरे रमा। वो जल मैं अबे आपने पिलाऊं हूँ। राजा यूं बोले हे रानी नहीं वो तो टाइम वटा से चली गई है लेकिन भगवान आपने पाछा मिलाया है। अरे रानी यूं बोले हे महाराज मिलाया है, अगर ये महाराज अटे रात नहीं रुकता तो आपने कौन मिला तो। महाराज याने पीपली से नीचे उतरी गया है, अपने होना को दान लेवा को मौको आयो है। राजा रानी महाराज का चरणा में धोक दियो है, जत्रो होना को दान चावे वत्रो महाराज रे अर्पण करियो है, है। और महाराज ने विदा कर राजा रानी वटे निवास करे है, अच्छा मेल बनाया है। मेला के पास में राजा बाग बड़ो सुंदर लगायो है। एक समय महादेव जी पार्वती माता ने ले साथ में नांदिया ने ले राजा रो बाग देखवा आवे है तो महादेव जी पार्वती ने यूं कहो, मैं ना जाऊं मेरी माए मैं ना जाऊं वे मारी माँ, शिवा जी रे लार मैं ना जाऊं वे मारी माँ, जाऊं वे मारी माए मैं ना जाऊं वे मारी माँ, बाबा जी रे लार मैं ना जाऊं वे मारी माँ।
राजा सिर पे सोवे फणा फणारी छाया। जटा मुकट में गंगा राके शेष नाग लिपटाया। मैं ना जाऊं रे मारी माँ, मैं ना जाऊं मारी माँ। राती पीली झूल बेल पे छोटा मोटा कंडिया। गांजा भांगरी भक्ति राके गाता जोली झंडा। मैं ना जाऊं रे मारी माँ। शंकर भगवान की जय हो। महादेव जी यूं बोले, हे पार्वती राजा बाग घणो बढ़िया लगायो है, लेकिन एक फेफरो जाल राजा रा बाग में होवे तो भगवान री वैकुंठ आवे है। या बात माली सुनी ही राजा ने कहो है, राजा जी एक बाबा जी और एक बाबी जी अपना बाग में आया हा। वना बाबा जी यूं कहो, एक फेप को जाड़ बाग में होवे तो भगवान री वैकुंठ आवे है। वे वक्त के मायने राजा बोले, या बात महादेव जी केवे है, चलो आप ही कैलाश में चलांगा और महादेव जी से फेफरो झाड़ लावांगा। महादेव जी कैलाश पहुंची गया है और राजा मेला में विचार करी रहो है, आप ही कैलाश चलांगा और फेफ को झाड़ लावांगा। राजा गया कैलाश के माई, लाया फेप जाड़ की आई। रानी जाऊ शंकर के साथे, लाऊ झाड़ बाग के माई। विचार कर राजा कैलाश के मायने जावा की तैयारी करिए तो महादेव जी पार्वती ने यूं कहो, हे पार्वती मने आचा गांजा भांग बनाई देवे, 12 साल का नशा चढ़ी दे, राजा अपने कैलाश में आवे है और मारा से फेफरो झाड़ मांगेगा। वे वक्त में पार्वती महादेव जी ने नशा कराया है और सुवाया है। भगवान की जय हां। राजा कैलाशपुरी के मायने महादेव जी के पास में गयो। पार्वती माता महादेव जी ने 12 साल का नशा कराए कैलाश पर्वत पे सुवाया। वे वक्त के मीने राजा गयो है, पार्वती माता मारे महादेव जी मिलनो। पार्वती माता बोले, हे राजा महादेव जी की 12 साल तक नींद नहीं खुलेगा, 12 साल के बाद में महादेव जी की पल खुलेगा। राजा बोले, पार्वती माता मारे फेप को झाड़ चावे, मैं आपके पास में आया हूं। पार्वती जी बोले कि 12 साल के बाद में भी वचन मांग लीजिए और पचे फेफरो झाड़ मांगजे। राजा 12 साल तक कैलाश के मायने रहा, अन्न घास को सज्जन पुरुष टोटो बतायो, दूसरी बार मृत्यु हो चुकी। 12 साल की भक्ति पूरी हुई, महादेव जी की पल खुली और पार्वती जी ने महादेव जी यूं कहो, भाई केवे है, बोले महादेव सुनो पार्वती, बोले महादेव सुनो पार्वती, आयो कैलाश मेरा
राजा आयो वंडे पड़ियो है कई काम नीरे भाई महादेव जी की पल खुली महादेव जी पार्वती ने यूं कहो हे पार्वती राजा अपना कैलाश के मायने आयो हो कई बातें करी ही वे वक्त के मीने पार्वती बोले कि देखो शंकर भगवान अरे राजा थोड़ा साल जिंदो रहो अंत में स्वर्ग विदा वे गयो अरे नवा केवल यही बात क्यों हो कि महादेव जी मिलनो है हाँ वे वक्त में महादेव जी बोलिया पार्वती वीरी हाड़कियां बार फेंकाती कैलाश तो पवित्र है मुर्दो निवास नहीं करे है पार्वती जी बोलिया नहीं आप राजा ने जिंदो करो राजा रो कारज सिद्ध करो महादेव जी सरजीवन को छांटो दियो है राजा जिंदो वे गयो है बोल राजा आज कैलाश के मायने क्यों आया हो राजा यूं बोले महादेव जी मारे आपसे एक वचन चावे गांजा भांग का नशा में शंकर भगवान राजा ने वचन दे दियो अरे नमा राजा बोले कि देखो महादेव जी मारे फेप को जाड़ बागरे मायने कोना में फेप को जाड़ ले आयो हूँ महादेव जी रा 12 साल का नशा उतरी गया बोले हे पार्वती या सभी चतुराई थारी है थेणी राजा ने रोक्यो है फेप को जाड़ अटे कोनी मिले फेपरो जाड़ तो वेकुंट लोग रे मायने मिले भगवान हुक्म करे जदी अरे राजा बोले महादेव जी आप वचन हारी जाओ मैं मारे घरे परो जाऊं या मने फेप को झाड़ दे दो अब शंकर भगवान राजा ने ले हाथमा प्याल के मायने राजा बाशकरी बाड़ी में जावे है जान जावे है आगे महादेव पाछे पार्वती पाछे पार्वती संग में राजा जायनी रे भाई आत्मा पियाल राजा बाशकरी बाड़ी वटेलियो गे विश्राम नी रे भाई बाशकराज की महादेव जी और पार्वती जी साथ में राजा है हाथ प्याल के मायने राजा बाशकरो बाग राजा बाशकरे बाग में जाए शंकर भगवान बोलिया है हे राजा आप मने फेप को झाड़ दे दो मैं राजा रा बचन में आयो हूँ अरे राजा बाशक मना कर दिया महादेव जी आप भोला जीव रहो मृत्यु लोक में फेपरो झाड़ जावेगा तो वेकुंठ लोक जावे जे हो। मैं आपने फेपरो झाड़ नहीं देऊ हूँ आप भगवान के पास में जाओ भगवान आपने हुक्म दे देगा तो फेप को झाड़ मिली जाएगा मिली जाएगा विवक्त के मायने शंकर भगवान वेकुंठ जावे है बोले पार्वती तू राजा ने वेकुंठ लोक बतई लिया और मैं भगवान से फेपरो झाड़ मांगू हूँ वेकुंठ लोक के मायने एक होना की हवेली तैयार वेरी आचा आचा कारीगर लोग काम करी रहा पार्वती जी बोले कि यह होना की हवेली कणी के वास्ते बने है मिस्त्री लोग बोलिया कि मृत्यु लोक में राजा लक्ष्मीचंद की रानी हवामन होना को दान ब्राह्मणा ने दक्षिणा में देवे होना की हवेली भी रानी के वास्ते बनी रही राजा ने अभिमान आयो आनी हवेली के मायने मैं निवास करूंगा अरे? जो अभिमान करे भगवान वणी को अभिमान चूर्ण करे मत कर रे अभिमान मान मद मारो जासी रे घर बघल जासी रे मत कर रे अभिमान मान मद मारो जासी रे घर बघल जासी रे बड़ा बड़ा बड़ भीम हो गया हाथा धरती तोली सा जा कबल से धरा दू जती खाती झोला सा उमर
गया लंकारा सिरदारा जी। एकलक पुत्र सवालक न्याती बहु परिवारा जी उमर गट भाषी रे। केरव पांडव बड़ बगड़ावत धरत्या माई रुलिया सा। जरा सिंध शिशुपाल जसारण भारत मिल गया सा उसुर गांवासी रे। कई तख्त तोड़िया जंगड़ रंगड़ शूरा सा। हे बेरिया अभिमान करो वारा उड़ गया धूला सा बजो अविनाशी रे। भक्त और भगवान की जय हा। राजा अभिमान करियो हवेली का चित्राम गिरवा लाग्या है। वैकुंठ लोक से पार्वती जी ने राजा ने बाहर निकाली दिया है। शंकर भगवान बोले हैं, भगवान मने फेप को झाड़ दे दो, मैं राजा रा बचन में आई गयो हूँ। वे वक्त के माय ने भगवान कहो कि जाओ हरिया फेप तो मत दीजो और एक सूखा फेपरी लकड़ी आला पाना में लपेट दे दीजो, आपको काम भी आने सिद्ध वही जागा और फेप को झाड़ भी नहीं जागा। राजा बासक एक सूखी लकड़ी आला पत्ता में लपेटने दे दी है। कैलाश में आए महादेव जी और कहो राजा जिस जगह यानी जंगल के मायने लगावे वटे यूं को यूं लगे दीजिए, रास्ता में खोले मती वरना हवा से हुकी जागा। राजा वो झाड़ लेके रवन्ना भी, वो पार्वती माता ने बड़ी दया आई, महादेव जी बड़ा कपटी मालूम पड़े है। अरे 12 साल वे गया राजा ने धोखो दियो है, रास्ता में दो रूप धारण कर लिया। पार्वती जी जाए आड़ी फिरी, बोले राजा फेप को झाड़ मने बताओ। राजा बोले नहीं माता, हवा से हुकी जावे। पार्वती जी बोले कि हवा से हुकी जावे तो जंगल में सभी वृक्ष बाग बगीचा सूखी जावे, महादेव जी तो आपरे साथ में धोखो करियो है। राजा और पार्वती जी झाड़ ने देखियो तो सूखी लकड़ी है। राजा ने क्रोध आयो, हे मातेश्वरी हरिया कैसे वेगा। पार्वती माता कह दियो कि तू पांचों कैलाश में चाल और महादेव जी का माता में पटकी दीजिए, थारे हरिया वही जागा। अरे पार्वती जी तो एक रूप धारण कर लियो है और राजा वटु क्रोध में रवन्ना भी चुकियो। महादेव जी कैलाश पर्वत पे माला में लीन था और जोर से लाए वा लकड़ी महादेव जी का माता में पटकी है। माता में पटके महादेव जी मन में विचार करे पार्वती यानी राजा ने तू पाछो फेरी लई, तो पार्वती माता यूं कहो अगर राजा से नी जीत नहीं आवे तो मारो क्यों झगड़ो करो हो, राजा ने हरिया फेंप दे दो। नशा के माय ने सरजीवन को छांटो दे दियो है, राजा थारे हरिया वही जागा। राजा बोले नहीं महादेव जी, आप तो कपटी मालूम पड़ो, अनिस जगह हरिया कर दो। पार्वती इशारो हमजाया कि आपको काम सीधे पधारो। राजा झाड़ ले अपने बागरे मायने आए, झाड़ ने लगायो और सरजीवन को छांटो नाक्यो तो वो हरिया वही चुक्यो है। पहले फेप के फूल खिलियो वासना वैकुंठ लोक में पहुंची। भगवान बोले कि महादेव जी धोखो करियो है, देवता झाड़ ने जड़ समेत लाजो। रात्रि रे टाइम माली ने नींद आई, वणी झाड़ रा टुकड़ा कर वैकुंठ लोक में ले गया है। सुबह पहली माली की नींद खुली, बोले राजा थारा झाड़ ने चोर ले गया है। सरजीवन को छांटो ना क्यों वापस चालू वे गयो। एक रात में 4 पेरा लगाया है तो पहली पेरो राजा कणी को लगायो है। लगावे है। पहली जो पेरो लागो साढ़ारे रावरो, दूजो पेरो लागो
पत्थर मागज पुत्र को तीजो माली रो लागियो रे भाई माली रो पेरो लागो फेपरे फूल खले सुगन बेकुंठ के मायन रे भाई पहली पेरो नगरी के मायने एक साड़ा रावजी रेता वना को लगायो दूजो पेरो राजा रे इकलो तो धर्मागज पुत्र होवनी लड़का को लगायो तीजो पेरो माली को लागो फेप के जाड़ के फूल खिलियो वासना वैकुंठ लोक में चली गई। भगवान बोले देवता फेपरो जाड़ पूरो नहीं लाया जड़ समेत लाजो। भगवान का देवता रवन ना भी आए अरे वणी जाड़ ने जड़ समेत खोदी लियो और टुकड़ा टुकड़ा कर रेवाण के मायने भर लिया है। माली राज की नींद खुली मारा पेरा के मायने जार चलियो जागा तो अब के अपनी नौकरियों खारज भी जावांगा। हाँ नौकरियों अटक देवेला वणी वक्त के मायने माली जूं पास में गयो जार नजरे नहीं आयो है। माली के हाथ में एक लट थो ऊंचो देखियो भगवान का देवता विमान ले रवाना वेरिया तो गुस्सा के मायने दो चार तो लट वणी रेवाण के लगाया है। हाँ रेटे पटकाने की तो और पचे मस्तक से पाग उतारी एक पल्लो राजा के लकड़ी के बांधियो है अरे और एक पल्लो में रेवाण के बांधियो और जट से मेला में खबर दिए राजा चोर पकड़ना होवे तो जट से बाग में चाल थारा जाड़ ने चोर ले जी रहा है। राजा बाग रे मायने आया तो भगवान का देवता परेशान भी गया। अरे राजा साहब माली मध्यम रिंगणी को धुओं लगायो है ये मध्यम रिंगणी का धुआं से यो रेवाण तो वैकुंठ लोक में नहीं जावे। थारी नगरी में कोई लक्ष्मी एकादशी री भक्ति करती होवे तो झट से बुलावो। हाँ ग्यारस के वी वक्त में राजा बोले कि मारी रानी चंद्रावली एकादशी री भक्ति जरूर किया करे है। रानी बाग में आए भगवान का विमान के हाथ लगायो तीन कदम आगे बढ़ी गयो और पाछो रुकी गयो। अरे भगवान का देवता बोले कि अभी अंडो व्रत पूरो नहीं वियो है दूसरी कोई एकादशी भक्ति करती हुए तो बुलावो। रानी चंद्रावली पनगट पे जल भरवारे वास्ते गई। अरे सभी पणियारिया आवे लेकिन कोई उन्हीं के वे कि मैं एकादशी भक्ति करा हा। अंत में दो जात की तेलना हाथ में बेवड़ो लिए हुए जल भरवारे वास्ते आई तो रानी चंद्रावली यूं कहो कौन घर की अबला का मणिज बनी वाणी कैसे तुम्हारो नाम पणिहारी ओज घिस दिलन मारो नाम बड़े तुम सुनो रानी जी काई पड़ियो छे था के काम रानी जी वक्त में रानी बोले बेना आपको कई नाम है और आप यानी जल भरवारे वास्ते आई हो आपसे मारे यो काम है कि मां के रेवान रुकी गयो आपने हाथ लगानो पड़े कोई एकादशी रो व्रत पण करो हो। तेलन बोले कि मैं तो नहीं करूं लेकिन ये जरूर करे है व्रत जल भरियो है वीरे घरे आ एकादशी माता के भोग लगायो है। वणी सास बोली रानी जी लाड़ी बड़ी खराब है एकादशी री भक्ति करे तीन तीन रोज तक मारा मकान में कलेश नहीं निकले भूखा मरे ऐसी लाड़ी मारे नहीं चावे आप मारे घरे पाची मत आवा दीजो। हाँ माता बोल चले विवक्त के माए ने तेलन रानी के साथ में बाग पहुंची है। अरे भगवान का रेवाण के हाथ लगायो वो पवित्र विन वैकुंठ लोक के रास्ते रवाना भी हो। अरे नवा देवता विचार करियो कि ऐसी क्षति अपने वैकुंठ लोक में चावे तेलन को हाथ पकड़ रेवाण के माए ने बिठाइए। यदि राजा विचार करियो कि तेलन तू तो भगवान के धाम को जाती है मने कई वरदान दे जा तेलन कहो कि जाओ राजा एकादशी भक्ति आप कर जो आपने भगवान दर्शन देगा। वैकुंठ लोक में जाते ही भगवान बोलिया कि देवता नहीं तेलन ने क्यों लाया हो
देवता बोलिया कि माली मध्यम रिंगणी को धुओं लगायो या सती अपने रेवान के हाथ लगायो जदि वैकुंठ में आयो। अरे देवता, आप तो व्रत वटे छोड़ी आया, जाओ पाछा जाओ, एकादशी री भक्ति लाजो। देवता बोले, अबे मैं नहीं जावांगा, राजा बड़ा जिद्दी लाए, माने भक्ति नहीं देगा, दूसरा ने भेजो। भगवान अंग से मेल उतार मेल की मोहनी नारी धारण करी 12 साल की कन्या हाजिर हो गई। अरे भगवान बोलिया कि जाओ मृत्यु लोक में राजा ने मोहित करने वो व्रत लाजो। वह मोहनी नारी भगवान की वटा से रवाना हो चुकी। राजा रा बाग में एक सूरी को रूप धारण कर लियो और सारे बाग ने उजाड़ी दियो। उजाड़ दियो। माली री नींद खुली, बोले आज तो सारो बाग नष्ट हो गयो है। सूरी ने देख राजा से फरियाद करी, राजा एक जानवर आयो, जानवर खत्म करवारे वास्ते बाग में चालो। जतरा भी जागीरदार राजपूत लोग था, वे सभी अपना शस्त्र ले बाग रे मायने पधारिया है। हाँ। वा माया रूपी मोहनी नारी सूरी को रूप धारण कर राजा रा घोड़ा से नीचे अंतर ध्यान वे चली गई। राजा संकल्प कर लियो कि जनी जनी वो जानवर मरेगा, मैं नगरी में आऊंगा, जतरे पाछो को नहीं आऊंगा। आगे तो वह माया रूपी मोहनी नारी पाछे राजा घोड़ा ने रवाना करियो। कटेक तो वह प्रगट वही जावे, कटेक अंतर ध्यान वही जाता, छलबल करती करती जंगल में ले चली गई। हाथे नहीं आवे। जंगल में एक 12 साल की लड़की बनी गई और रुदन करवा लागी। राजा सूरी मारवो तो भूली गया, वनी सुंदर कन्या ने देखी मोहित हुई गया। हे लड़की, तूनी जंगल में क्यों आई और क्यों रोवे है? अरे लड़की बोले कि मारा माता पिता मारी शादी नहीं करे है, आपरे जैसा कोई वर मिली जावे तो मैं ब्याह कर लूं। राजा मोहित वे गया, बोले मैं शादी कर लूं, जंगल में मंगल वे वक्त में शादी रचिए, अब फेरा दया वाला और गीत गा वाली माया बाया चावे है। जंगल के मायने 5 माया बाया रास्ता में जहरी राजा हेलो पुकारियो, आप मारे पास में आवो, मोहनी नारी की और माने फेरा फरना, आप 5 गीत गाई दो। लुगाया बोली, अपनो जमारो गीत गावा को है, आप ही 5 गीत गावांगा, आपने पता सा मिलेगा, चलो। लुगाया तो गीत गावा लागी। एक महाराज खांदे खड़ियो, हाथ में शास्त्र गावड़ो करीने जाई रिया, तो राजा हेलो पुकारियो, अरे महाराज माने फेरा दे दो। महाराज शास्त्र रखी दियो और बिराजमान वे गया, अपना काम ही फेरा देवा का है। जंगल में हतलेवा जुड़ाया है, अब एक एक फेरो फरती जावे और मोहनी ने नारी राजा से वचन मांगियो है। एक फेरो फरे मोवनी बचना में जब ले वेदी, एक फेरो फरे मोवनी बचना में जब ले वैसा, आगे चंद्रावल रानी बनी बेली नहीं रे वासा, वणी ने जूना मेला में मेला या पिशामल रे वाजी, दूजो फेरो परे मोवनी बचना में जब ले वेदी, आगे हे सोलिंगा बेटी वंडो कियो नहीं मानूला, वणी ने सासरिये मेला पाछी कदी नीला वाला, पीली डगली पीलो सूत निरखो जी सतगर का पूत, निरक्या पर क्या करे सलाम, एक सलाम दूसरी सलाम तीसरी सलाम गुरा पीरानी सलाम, छोड़ ए मारी सूरत सुहागन अब तो कामन की दादी, पहली फेरो फरते रानी वचन मांगियो है, ए राजा थारे घरे जो रानी चंद्रावली वीरे साथ में मैं एक दिन भी नहीं रहूंगा। वे वक्त में राजा बोले, आपने 2 मेले जूना मेला में वह निवास करेगा, आप ही नया मेला में निवास करांगा। दूजो फेरो फरते ही वचन मांगियो, राजा जो आपके सोलिंगा बेटी है वह भी महाराज से कई तकरार करेगा तो मेरी बात में नहीं सुनूंगा। अरे राजा बोले,
बेटी की शादी कर दीवा, ससुराल चली जागा, पाछी कोनी लावांगा। तीजो फेरो फरते याने मोवनी नारी कई वचन मांगियो, कई मांगे? तीजो फेरो फरे मोवनी बचना में जब ले बेदी, आगे है धर्मा गज पुत्र वंडो कियो नहीं मानूला। वनी ने भनवाने मेला पाछो कदी नीला वाला, चार फेरा परे मोवनी बचना में जब ले बेदी, तू तो राजा पाले चाल जे में घोड़ा पर बेसा जी, में मोवनी नारी बचन मांगियो, राजा जो थारे धर्मागज पुत्र मारा से झगड़ो करेगा तो वीरी बात में नहीं सुनूंगा। राजा बोले, धर्मागज तो विद्वान है, स्कूल में भणवारे वास्ते जावे, नौकरी करेगा अलग रहेगा। मोवनी नारी उसी समय बचन मांगी लियो, राजा ने बचन दे दियो और पछे फेरा दे दिया। फेरा देवारे बाद घोड़ा पे सवार वेगी और अपने मेला पधारिए। रानी चंद्रावली पति ने विदाया है, अरे अब छठा फेरा को बचन मांगी होए, राजा में धर्मागज को शीश लूं या एकादशी की भक्ति लूं? राजा बोले, एकादशी की भक्ति तो नहीं दूंगा और धर्मागज को शीश दे दूंगा। वे वक्त में धर्मागज की बहन सोलिंगा स्कूल में धर्मागज ने बुलावा गी तो स्कूल के ऊपर बेटी बेटी रुदन करवा लागी, मारा भाई को शीश कटेगा। वे वक्त के माए ने धर्मागज बोले, मारी पार्टी पे झलकी बूंद पड़े, ला जाओ स्कूल पे खबर लियावो। नहीं बादल नहीं बिजली जी, इंद्र कटा से आया जी, जावो छोरा खबरिया लावो, इंद्र कटा से आया गे, धर्मा गज तारी बेन सोलिंगा स्कूल ऊपर रोवे गे, विवक्त में धर्मागज की बेन सोलिंगा रुदन करी रही। धर्मागज बोले, जाओ लड़का खबरा लावो। लड़का याने स्कूल पे पहुंचा, धर्मागज की बेन रुदन करी रही है। विवक्त के माए ने धर्मागज बेन के साथ में घरे पहुंची गयो है और मोवनी नारी के चरणा में धोक दियो। प्रातः काल होते शीश कटवा को टाइम आयो तो मोवनी नारी बोले कि धर्मागज की बेन आरती करेगा, माता चीर की झोली बनावेगा और शीश ने झेलेगा, जब मैं शीश लेऊंगा तो बेन सोलिंगा भाई की आरती करे। राजा तलवार हाथ में ले लिए, एकादशी तुई धर्म की बेन बिरारी, जान बचा देना बिरारी, जान बचा देना, जान बचा देना बिरारी, जान बचा देना। एकादशी तुई धर्म की बेन बिरारी, जान बचा देना। धर्मागज की बहन सोलिंगा धर्मागज की आरती करी, पिताजी तलवार ले शीश काटवा लगा तो एकादशी माता प्रकट हुई चुकी, तलवार हाथ से ले ली। बोले, धर्मागज मारो भाई है, हे बेना आप सब पधारो, में मोवनी नारी को खत्म करूंगा। तलवार ले मोवनी नारी पे चलावा लगी ग्यारस माता। उसी समय जो खून की बूंदा पड़ी तो माकण वे चलिया गया, जो खून की फुहार चाली तो माच्छर वे के उड़ता गया। अंत में आने नाभि की नस रही चुकी माँ की बनी ने भगवान की धाम को पहुंचेगी। न एकादशी को व्रत वैकुंठ में गयो और न धर्मागज को शीश कट्यो।
विभक्त के मायने आरती ले, ग्यारस माता के नाम की आरती करे, सारी सृष्टि पूजन करे। आरती करे, आरती एकादशी माँ की, बोलो रे भाई ग्यारस माता की।